So welcome back, and again today we are doing the topic chemical formula. So chemical formula आप बोलते किसे हैं? एक मेथड है, मतलब आप कंपाउंड के नेम को जो आप शॉर्ट में बता रहे हो, उस शॉर्ट में बताने को आप क्या बता रहे हो? केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला। तो ये सिंपल सी बात निकल के आ गई, सीधा सा एक काम को जवाब मिला कि सर एक कंपाउंड का नाम है, उसको हमको शॉर्ट में लिखनी है। आप फिर जिस तरीके से भी लिखें उससे मतलब नहीं है, शॉर्ट में लिखना है। और ये जो शॉर्ट में लिखने का मेरा जो तरीका होगा या शॉर्ट में लिख के जो मेरा निकल के आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे? केमिकल फार्मूला। फार्मूला। तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो सिंपल सा डेफिनेशन देंगे क्या? मेथड ऑफ राइटिंग। अच्छा अब ये देखो, पहले आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि साइंस है आपको लर्न करने वाली बात, अब कोशिश करो कम रहे। आप बता रहे हो क्या मेथड है ये? अच्छा किस बात की मेथड है? लिखने की। अच्छा लिख रहे हैं, कुछ तो लिख रहे होंगे आप, क्या लिख रहे हो आप? नेम ऑफ कंपाउंड, और कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। सो मेथड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ ए कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करोगे या सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो। सो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? मेथड ऑफ राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग नेम ऑफ अ कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, नेम ऑफ अ कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, किस में? यश, इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग सिंबल, यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड फॉर्म। यस इज कॉल्ड फॉर्मूला, इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। अच्छा ये तो समझ में आ गया, केमिकल फार्मूला बना दिए। अच्छा अब केमिकल फार्मूला आप लिखते कैसे हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है आपके पास। देखो मेरे पुराने वीडियो में भी आपको मिस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। आप क्या लिखते हो कि आप मेटल का पूरा एक लिस्ट, उसका सिंबल एंड बैलेंसी, इसी तरह से रेडिकल का और नॉन मेटल का भी पूरा का पूरा लिस्ट, सिंबल एंड बैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो सोडियम, मेरे पास सिंबल क्या है? उसकी वैलेंसी भी लर्न कर लो, वन। पोटाशियम सिंबल क्या होगा? के, वैलेंसी वन। मैग्नीशियम Mg और वैलेंसी कितने की? तो ये आपके पास सोडियम नाम है, ये पोटाशियम नाम है, ये क्या? मैग्नीशियम। तो इसी तरह से आप जितने भी मेटल्स हैं सबका आप क्या करो? नाम, सिंबल एंड बैलेंसी ले लिए। इसी तरह से आप रेडिकल का भी एक लिस्ट बना लो अपने पास, रेडिकल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आप क्या लिखते हो? OH, और बैलेंसी कितने की? वन। आप लिखते हो नाइट्रेट, बिल्कुल NO3, और बैलेंसी कितने की? अच्छा कार्बोनेट, CO3, और इसकी बैलेंसी कितने की? टू। तो मतलब इस तरह से आपके पास एक दो नहीं, पहले वीडियो है उसमें लिस्ट है सारा, तो इसके पास है। और आप क्या करते हो फिर इस क्रिस क्रॉस मेथड, याद है ना? तो पहले आप क्या करो, सिंपल सा मेथड सपोज करो हमको एक फॉर्मूला लिखनी है किसकी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने लिख दिया क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखो जिनको पता है आप, हाँ तो वह तो आप डायरेक्ट लिख लोगे क्या? MgOH twice। और जिनको नहीं पता है वो शुरुआती तौर पे क्या कर सकते हो? क्रिस क्रॉस मेथड। आपने मैग्नीशियम ले लिया, और क्या लेना आपको? हाइड्रोक्साइड, और आपने OH भी ले लिया। मैग्नीशियम के लिए आपने क्या लिख रहे हो? टू लिख रहे हो, और OH के लिए क्रिस क्रॉस। तो Mg के संग क्या नंबर आ गया? वन, और OH के संग? यस, तो OH ट्वाइस, ये आपके पास निकल आया है ना। जिंक नाइट्रेट, एक और लेते हैं, क्या लेते हैं? जिंक नाइट्रेट, ये ले लिए। तो जिंक नाइट्रेट जिनको पता है वो डायरेक्ट लिखेंगे Zn(NO3), और ये होल ट्वाइस लिख दिया आपने। नहीं पता आप क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर लो। जिंक के लिए आपने क्या यूज करना है? NO3 के लिए आपने क्या यूज करना है? ये नाइट्रेट के लिए NO3। अच्छा जिंक की बैलेंसी कितने की? नाइट्रेट की, और आपने क्या करना है? ये
तो आप क्या लिखे? ZnNO3+। तो देखो ये सारे चीज़ें तो हम सीख चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं कि ये कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा, सिग्निफिकेंस क्या इसकी। आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो केमिकल फार्मूला, इससे आपको फ़ायदा क्या मिला? बेनिफिट तो है कुछ, अदरवाइज हम पढ़ते ही नहीं है कि नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या क्या मिला और बेनिफिट की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, करूँ? ओके। तो देखो फार्मूला जो आप लिखे हो उसके एक दो नहीं कई सारे बेनिफिट्स हैं, और सारे बेनिफिट्स की बात करते हैं। अच्छा पहले, उसके पहले एक बात बताना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कितने हाइड्रोजन हैं, तो शायद अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक, और नहीं पता है तो आप दिमाग पर जोर लगाओगे, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट ये वो, और फिर हो सकता है कभी सही आंसर और कभी गलत आंसर दे रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अब आपको यहाँ से कुछ भी पूछा जाए आप आराम से आंसर दे पाओगे, है कि नहीं? पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं पता, अगर आपको पता है तो फिर तो आप दे पाओगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आपको बोले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, अब बिना फॉर्मूला लिखे क्या इतनी आसानी से निकाल पाओगे? नहीं सर। है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, और आपसे बोलता है क्या बिना फॉर्मूला लिखे आप क्या करो? मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दो। कर पाएंगे आप? नहीं। प्रॉब्लम है, और कर भी पाएंगे थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब आप किसी का फॉर्मूला लिख डालते हैं उससे आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलने लगता है। पहली इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, क्या बता रहे हो आप? यस, नेम ऑफ कंपाउंड, यस कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। तो मतलब आपको जिंक कार्बोनेट बोलता है तो अब आपको जिंक कार्बोनेट या जिंक बाइकार्बोनेट नहीं लिखना पड़ेगा, आपने सिंपल सा लिखा ZnCO3, खत्म। सोडियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपको, क्या लिखना? सिर्फ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, फटाफट लिख दिया आपने। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मिलता आपको किसी भी फॉर्मूला से, क्या इन्फॉर्मेशन मिला? यस, नेम ऑफ द कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म, ये पहला। अच्छा दूसरा, आपसे अगर पहले पूछा जाता है ये बताओ जिंक कार्बोनेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो थोड़ा सा आपको एक बार सोचना पड़ता है। लेकिन अब भी अगर आपसे हम पूछे ये बताओ जिंक कार्बोनेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आपने बोला जिंक कार्बन ऑक्सीजन, दैट इज ना, और कुछ नहीं। तो ये आपको आराम से पता चल गया। अच्छा अमोनियम क्लोराइड ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये आपको आराम से देख के पता चला। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन भी हमको ये मिला, क्या ये हमको ये बताता है कि कोई भी जो कंपाउंड है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सो नंबर टू इन्फॉर्मेशन क्या मिला? नेम ऑफ द एलिमेंट दैट टुगेदर फॉर्म द कंपाउंड, क्या क्या? नेम ऑफ द एलिमेंट दैट टुगेदर फॉर्म द कंपाउंड, एलिमेंट दैट टुगेदर टुगेदर फॉर्म द कंपाउंड, टुगेदर फॉर्म द कंपाउंड। अच्छा ये सेकेंड बात पता चली। अच्छा अब थर्ड बात आपको ये पता चलती है, ये बताओ कि आपसे हम बिना फॉर्मूला लिखे पूछते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन कैल्शियम बाइकार्बोनेट? आप सोच रहे एक बार, है कि नहीं? लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि जिंक कार्बोनेट के अंदर या जिंक बाइकार्बोनेट के अंदर अगर आप फॉर्मूला लिख लिए हो कितने एटम होंगे, आप देखोगे या बता दोगे? है कि नहीं? तो ये आप बता दोगे किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, ये आप देख के बता दोगे। अच्छा किसके कितने एटम हैं ये भी आप देख कर क्या कर रहे हो? बता रहे हो। और ये सारी बात आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला से पहली बात क्या पता चली? कि कंपाउंड का नाम पता चल गया, किसमें? शॉर्ट में। दूसरी बात ये पता चली कि ये कंपाउंड किन किन चीजों से मिलके बना है। तीसरी बात, एक कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम हैं,
किस एलिमेंट के कितने एटम, बिल्कुल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, अंडरस्टूड। एंड फोर्थ, ये तो तीसरी बात थी, बिल्कुल, अगर आपको जिंक कार्बोनेट की मॉलिकुलर वेट फाइंड करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की मॉलिकुलर वेट फाइंड करनी है, या किसी के भी सोडियम क्लोराइड की आपको मॉलिकुलर वेट फाइंड करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, आसानी से फाइंड कर पाओगे, नहीं तो फिर आप लटकते रहो, है ना। तो यस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर, यस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड। तो इतनी सारी बात जो है आपको किससे पता चली, फॉर्मूला से। अच्छा, अब अरे आपसे ये क्वेश्चन दे, इतनी नहीं और भी बातें हैं, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, आपसे बोले कि फाइंड रेशियो ऑफ ईच एटम इन जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट के अंदर आपको रेशियो फाइंड करना हो, जिंक इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन, जिंक के कितने एटम, वन, कार्बन के कितने एटम, वन, ऑक्सीजन के कितने, थ्री, वन इज टू वन इज टू थ्री। ये क्या बिना फॉर्मूला लिखे आप फाइंड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ये सारी की सारी जो बात पता चल रही है आपको, कैसे फॉर्मूला, तो ये जो रेशियो निकाले, अच्छा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कंपाउंड, ये भी फॉर्मूला पता, यस आपको अगर पूछ देते हैं जिंक कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज क्या है, क्या? ये भी आप तभी निकाल सकते हैं कब, जब आपको फॉर्मूला पता हो तो। तो ये फॉर्मूला आपको बड़ी काम की है और इससे इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं। सपोज करो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, आपसे क्वेश्चन दे दिया, अब इसको थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH ट्वाइस, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम इट, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ना। तो अब ये बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, यस इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ द मैग्नीशियम, ठीक। दूसरी बात, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, खत्म। तीसरी बात, इट देयर इज वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम ऑफ हाइड्रोजन टुगेदर फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसकी मॉलिकुलर वेट भी आप फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं, और हर एक एटम की रेशियो क्या होगी ये भी फाइंड कर सकते हो, तो और परसेंटेज भी आराम से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो मिला, कैसे मिला, फॉर्मूला से मिला। तो अंडरस्टूड कि फॉर्मूला से क्या क्या करना है। Yes, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला।